हम उनका इलाज तो नहीं कर सकते, उनको वहाँ से निकाल तो सकते। हवा में जहर है, कोई बाढ़ या भूकंप नहीं आया कि जाके लोगों को बचा के ले आइए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आफ्टर पठान वायरफ ऐसी जबरदस्त चीज निकाल देगा भाई साहब, सोचा नहीं था। क्योंकि वायरफ की वेब सीरीज की दुनिया में, वो भी नेटफ्लिक्स में, पहली एंट्री है। इट मीन्स ये कि डेब्यूशन है, और डेब्यूट ही इतना दमदार होगा ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। भाई साहब द रेलवे मैन सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो टोटली डेडिकेटेड है टू मोस्ट स्कैरिएस्ट ट्रेजेडी ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984। भाई जो तबाही, मतलब इस पूरी सीरीज में जो रियलिटी है और जो भी चीज़ें इन्होंने दिखाई है विदाउट एंड फिल्टर, मतलब वो दमदार है। लाइक पूरी सीरीज को आप कंप्लीट करने के लिए 4 एपिसोड को देखना पड़ेगा, जिसमें पर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास है। इट मीन्स ये कि 4 घंटे आपको खर्चने पड़ेंगे इस मार्वलस वेब सीरीज को देखने के लिए, जिसमें आपकी आंखें, जैसी जैसी ये वेब सीरीज बढ़ती जाएगी वैसी वैसी आपकी आंखें गीली होती जाएंगी, और एक ऐसी नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी जो आप न कभी इमेजिन करा था, न कभी सुना था या पढ़ा था। क्योंकि इस कंटेंट पर बहुत से ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत से ऐसे राइटिंग्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर ऑफिशियली तो जो वो आंकड़े दिखाए जाते हैं उसके बारे में बताया ही है, लेकिन उस पूरी घटना के पीछे जो रियल ट्रूथ है वो बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। तो अभी बात करेंगे पूरी वेब सीरीज के बारे में, इसमें क्या है कैसा नहीं है, स्टार कास्ट ने कैसा दम भरा है, स्टोरी लाइन कैसी है, कितना कुछ इसमें नया देखने को मिलने वाला है, और ये वेब सीरीज कितनी दमदार है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक तो जरूर जुड़े रहना है, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब, जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसी मार्वलस वेब सीरीज को बनाने के लिए या फिर ऐसे कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऑफिशियली भी और उसके पीछे जो सच्ची घटना है उसके ऊपर भी। क्योंकि बहुत सी जगह हमें बताया ही नहीं जाता है कि इसमें रियल ट्रूथ एंड हार्श रियलिटी ऑफ दैट इवेंट और ट्रेजेडी क्या होती है। भाई साहब इसमें सब कुछ खोल के दिखाया गया है और ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद उन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके दिखाना, उन सारी चीज़ों को ऐसे टाइट स्क्रीन प्ले में दिखाना, और दूसरा जब कास्ट हमारे पास हीरे जैसी हो उसका यूज करना, उस इवेंट में उनको घुसाना, वो सब कुछ एक मार्वलस जॉब का नाम देते हैं, और जो इसमें बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। बात करेंगे इस स्कैरियस ट्रेजेडी की स्क्रीन प्ले की। भाई जबरदस्त स्क्रीन प्ले दिखाया गया है, क्योंकि आपको ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी से गुजरना पड़ता है इसमें डायरेक्टर के हिसाब से, डायरेक्टर की विजन के हिसाब से, जहां पर वो जो ट्रेजेडी उस टाइम पर हुई थी, पहले तो वो चीज़ जो उन लोगों ने फील करी है, वो जो ट्रुथ, वो हार्श रियलिटी को उन्होंने फील किया है, उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना, आपको स्क्रीन प्ले में दिखाना, फिर उस चीज़ को ऐसे उस सारी चीज़ें जो आपकी ऑडियंस देख रही हो उसमें कनेक्ट करना, भाई वो सॉलिड होता है। और यस, आप इस चीज़ से कनेक्ट कर जाओगे, मतलब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगी, स्टार्टिंग टू एंड, आपकी तशरीफ आपकी सीट से उतनी ही ज़्यादा चिपकती जाएगी, और वो चीज़ें आपको यहाँ से नई नई मिलने वाली हैं और ज़बरदस्त मिलने वाली हैं। आपको एक एक चीज़ इतनी बारीकी से दिखाया जाएगा, ना कि फिल्टर के साथ बल्कि अनफिल्टर दिखाया जाएगा, क्योंकि फ़िल्टर के साथ तो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल आंकड़े रखती है। दिखाया गया था कि लगभग 4 से 4,500 लोगों की मृत्यु होती है, बट ऐसा नहीं है, 15 से 20,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, जो आज तक ये आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाया है कि वहाँ कितने लोग मारे गए थे। पुरानी जो पिक्चरें थी उनको रिक्रिएट करके दिखाया गया है, उनको रीडिजाइन करके दिखाया गया है, आपके सामने रखा गया है, जो आप बिल्कुल फील करोगे, बिल्कुल आप इमोशन में ज़बरदस्त तरीके से घुस जाओगे, और आपकी आंखें कब गीली हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आंखों के सामने इंसान मर रहे हैं। और तो बात करेंगे कास्ट की, कास्ट आर सुपर सुपर अमेजिंग, मतलब के मैनन सर, यार ये बंदा बहुत ही ज़बरदस्त बंदा है, मतलब इसको कहाँ कहीं पर भी फिट कर लो आप, मोस्ट ऑफ द पार्ट इन्हीं का ही होता है और यही मेन लीड पर रहे हैं। एक बार के लिए कहा जाए तो अपने कंधे पर इस वेब सीरीज को आगे लाने तक इनका भरपूर हाथ होता है, और ज़बरदस्त, मतलब ये अपने रोल में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से घुसे हैं, जब भी स्क्रीन पर आए फाड़ के गए हैं, मतलब ये बंदा खा गया है।
पूरे सीरीज को अकेले खा गया। उसके बाद आर माधवन इसने भी जबरदस्त काम किया है, डन अ फैबुलस जॉब। एंड अपने मुन्ना भैया मतलब दिव्येंदु शर्मा, ये बंदा मतलब आप कहीं पर भी इस बंदे को फिट कर लो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। आप चाहें इससे गुंडा गुंडाई वाले रोल करा के देख लीजिए, ब्रेवरी वाले रोल जो हम मिर्जापुर में देख चुके हैं, उसके बाद आप चाहें इनसे फनी रोल करवा लीजिए, चाहे सीरियस टिपिकल रोल करवा लीजिए, जो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो बंदे में कुछ है नहीं, ना कि डिलडॉल, ना कोई शरीर से कुछ, फिर भी एटीट्यूड, हिज एटीट्यूड मेक्स ऑल हिज रोल एंड कैरेक्टर्स परफेक्ट एंड सुपर सुपर परफेक्ट। एंड इसके बाद रेस्ट ऑफ द आर्टिस्ट लाइक दिव्येंदु भट्टाचार्य, जूही चावला, बाबिल खान, इन्होंने भी जबरदस्त काम किया है और आग फाड़ काम किया है। इनके पास ज़्यादा स्क्रीन टाइम था नहीं, लेकिन जब भी आए स्क्रीन पर फाड़ के गए हैं। तो वेब सीरीज सीरियसली बहुत ही जबरदस्त है, आपको इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलने ही मिलने वाली है, दूसरा इमोशंस की कोई कमी नहीं मिलने वाली है। मतलब आप कब यहाँ पर आके गीली हो जाएंगे, मैं फिर वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वेब सीरीज दमदार है, मैंने देख लिया, दैट्स माई रिव्यू, आप देखें, मजा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।